सर्जरी के बाद एक समय 3-4 सप्ताह वो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे समय में भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल के लिए इस साल वनडे विश्व कप खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। लेकिन ना केवल उन्होंने टूर्नामेंट में 452 रन बनाकर शानदार वापसी की, बल्कि कई मैचों में मेजबान के लिए संकट मोचक भी साबित हुए। सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन और भारत में इस साल हुए वनडे विश्व कप में प्रदर्शन के बारे में राहुल ने स्टार स्पोर्ट की विलीव सीरीज में कहा, वापसी कर दबाव तो था, लेकिन मैं उस समय जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रहा था मानो, और कुछ मायने नहीं रखता था, इसके आगे सब कुछ छोटा लग रहा था। केएल राहुल ने आगे कहा, सर्जरी के बाद पहले 3-4 सप्ताह मैं तो चल भी नहीं पा रहा था, मैं वाकर का सहारा लेकर चलने का प्रयास कर रहा था कि विश्व कप खेलने के बारे में तो सोचना भी दूर था। सर्जरी मई में हुई और सर्जन ने कहा कि 5 महीने वापसी नहीं कर सकोगे। निश्चित तौर पर सीधे विश्व कप खेलने तो नहीं जा सकते थे, कुछ मैचों का अभ्यास जरूरी था, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बारे में सोचकर तनाव नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। विश्व कप के पहले मैच में ही भारत को खराब शुरुआत से निकालते हुए उन्होंने 97 रन की पारी खेली। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 62 गेंद में शतक जमाया। पूरे टूर्नामेंट में 11 मैच में 452 रन बनाने के अलावा उन्होंने विकेट के पीछे 15 कैच भी लपके। भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीतकर विश्व कप फाइनल में पहुंची थी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 6 विकेट से हराया था। विश्व कप 2019 में भारत को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हराया था। उस टूर्नामेंट के बारे में राहुल ने कहा कि हम सभी उस विश्व कप में आत्मविश्वास से भरे थे, हमने सोचा नहीं था कि हम खिताब नहीं जीतेंगे। पहले दौरे में हमने कुछ शानदार जीत दर्ज की, कुछ मैच में खराब प्रदर्शन भी रहा, लेकिन हमने जीत के रास्ते बनाए। उन्होंने कहा कि हमें लगा ही नहीं कि हम हार सकते हैं, क्योंकि हम हर चुनौती का सामना करने में कामयाब रहे थे। हम हार के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए सेमीफाइनल में हार से सभी स्तब्ध थे। सेमीफाइनल में जब रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे तो लगा कि कोई चमत्कार होगा और हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार के बाद ड्रेसिंग रूम में सभी काफी जज्बाती हो गए थे, मुझे आज भी याद है, क्योंकि इस तरह से सभी को रोते हुए और निराश नहीं देखा था, वो अच्छी याद नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबक था। राहुल ने कहा, आप साल भर कितना भी अच्छा खेले, लेकिन 10-15 साल बाद जब हम रिटायर होंगे तो हमारे कैरियर को रनों या विकेटों या द्विपक्षीय सीरीज में मिली जीत को याद नहीं रखा जाएगा, हमें विश्व कप से याद रखा जाएगा, इसलिए हम अगली बार बेहतरीन और बेहतर करना चाहेंगे।